तो इस वक्त मेरे सामने है किया सोनेट की HTX 1.5 डीजल इंजन के साथ। कलर की अगर बात की जाए तो इसमें आपको ग्लेशियर पर्ल व्हाइट कलर जो अवेलेबल हो जाएगा। एक्शोरूम प्राइस की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 11.19 लाख एक्शोरूम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात इसकी अगर हम माइलेज की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करने को दे देती है 24.1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है सेगमेंट में। अगर आपको रियल में ऐसी माइलेज मिल सकती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू। आगे फ्रंट पार्ट की बात की जाए तो इसमें आपको ऊपर इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, नीचे आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स का ऑप्शन जो होगा अवेलेबल हो जाएगा। ये रही इसकी साइड की फ्रंट की ग्रिल्स, पियानो फिनिशिंग में एंड क्रो फिनिशिंग में आपको देखने को मिल जाती है। नीचे इसकी स्किड प्लेट सिल्वर कलर में आ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक्स बना देती है। आगे से मैं आपको क्लोजली लुक बता देता हूँ। आप देख सकते हैं पियानो फिनिशिंग एंड क्रोम फिनिशिंग का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अगर साइड की अगर बात की जाए तो टायर्स इसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील जो होंगे देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग की बात की जाए तो आगे डिस्क एंड पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं। तो टायर का जो आप देख सकते हैं साइज काफ़ी अच्छा है एंड लुक्स भी काफ़ी अच्छा बना रहती है। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा और ओवरलुक दे देता हूँ। इसमें आपको टर्न इंडिकेटर जो होंगे वो ORVM पे देखने को मिलेंगे। ORVM में आपको बॉडी कलर भी देखने को मिलेगा। एक्सटीरियर डोर हैंडल इसमें आपको क्रोम फिनिशिंग के देखने को मिल जाते हैं, लुक्स काफ़ी अच्छी बना देते हैं। ये रही इसकी ऊपर की रूफ रेल्स, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे का लुक्स बता देता हूँ। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर का ऑप्शन अवेलेबल है, बट रियर वाइपर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाई रियर वाइपर देना चाहिए था। ऊपर यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाती है, ये शार्क फिन एंटीना। टेल लाइट्स की अगर बात करें तो हमें आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स विद LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लुक बना देती है। पीछे से भी नीचे आपको किया का लोगो, जो न्यू लोगो देखने को मिलेगा। तो करते हैं इसके बूट को ओपन, मैं आपको बूट स्पेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 392 लीटर्स की बूट स्पेस जो कि वो देखने को मिल जाएगी। तो बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इस सेगमेंट में। एंड ये रही इसकी पार्सल ट्रे आप हटा सकते हैं। तो सेगमेंट में जो बूट स्पेस है मैंने पहले कहा बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। स्पेयर व्हील की अगर बात की जाए तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टील रिम टायर्स ही जो होंगे देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो करते हैं इसके बूट को क्लोज। एंड गाइस लेंथ की बात की जाए तो 3.9 मीटर की लेंथ आती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा है इस सेगमेंट में जो कि है ग्राउंड क्लियरेंस। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, मैं आपको अंदर के अब कुछ फीचर्स बता देता हूँ। बैठ चुका हूँ मैं कार के अंदर एंड आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देता है। एंड इसका सेंटर कंसोल आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट व्हील की, ड्राइविंग साइड स्टेयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे आपको बीच में किया कि न्यू लोगो देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड, कॉल रिसीविंग, कॉल डिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स के कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें आपको टिल्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट टेलीस्कोपिक का नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी आपको बहुत सारे जो मोड्स होंगे वो यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्यूल इकॉनमी। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी मोड देखने को मिलेगा, एवरेज कितनी है इसकी, एंड ड्राइवर इंफॉर्मेशन जो होगी वो भी देखने को मिल जाएगी। एकोमोडेटेड इन्फो होती है एंड बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड साइड की बात की जाए तो ये रही इसकी बिग टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। टच भी है एंड यहाँ पे तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन भी है एंड यहाँ पे आपको बटन्स भी दिए गए। फुल टच नहीं है, छोटे छोटे बटन्स भी हैं। अब जैसे आप किया कैनस में देखा जाए तो यहाँ पे फुल आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स होंगे, ब्लूटूथ होंगे, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों में iPad कंपेटेबल है, ऑक्स भी है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे AC के कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे अभी आपको छोटी सी 2-3 स्क्रीन देखने को मिलेगी। साइड पे आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, 1 USB पोर्ट एंड 1 चार्जिंग केबल, लाइटनिंग चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में आ जाती है एंड रिवर्स इसका आपको आगे देखने को मिलेगा। एंड साइड की बात की जाए तो ये रही कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक एंड ये रही ड्राइवर साइड की आर्मरेस्ट। तो बीच में स्पेस भी आपको देखने को मिलेगी। सीटिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो जो पैसेंजर साइड सीट है वो आपको 6-way मैनुअल देखने को मिलेगी एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको 8-way मैनुअल देखने को मिलेगी। पीछे का मैं आपको लुक बता देता हूँ। तो रियर रो सीट एडजस्टमेंट इसमें आपको 2-way मैनुअल आ जाती है, हेडरेस्ट अप एंड डाउन। एंड यहाँ पे आप इसकी आमरेज देख सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से ओपन भी कर सकते हैं। कैबिन लैंप इसमें आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगी, सेंटर में भी देखने को मिलेगी एंड आगे भी देखने को मिलेंगी। तो आगे इसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन भी है, तो मैं आपको कैबिन लैंप इसकी ऑन करके बता देता हूँ। तो ये है इसकी कैबिन लैंप। एंड अगर सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें आपको 4 एयरबैग जो होंगे वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके ये रहे, इसमें आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा एंड जो ड्राइवर साइड का सनवाइजर है उसमें आपको वैनिटी मिरर का नहीं ऑप्शन है, सिर्फ आप यहाँ पे अपने टिकट्स एंड ऑल रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल तो नहीं मिलते, बट इसमें इस साइड में आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलेंगे, बट इसमें आपको हुक्स का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। तो इसमें आपको हुक्स नहीं है, तो मैं उसका सनरूफ ओपन करके बता देता हूँ। तो ये रहा इसका छोटा सा सनरूफ।
किया कैरेंस में भी इतने सनरूफ है, अभी किया की कोई ऐसी गाड़ी आई नहीं है जिसमें आपको फुल जो सनरूफ होगा वो देखने को मिलेगा। किया सोनेट ही ऐसी कार है जो आपको थोड़ी सी बजट फ्रेंडली कार है, आप ले सकते हैं उसको। एंड बीच में जितने भी फीचर्स होते हैं जो भी आपको चाहिए बड़ी बड़ी कार्स में अपनी, उसमें आप ये तो जो इसमें किया कैरेंस में जो भी फीचर्स होते हैं बड़े बड़े जो आप चाहते हैं कि आपके कार में होने चाहिए, तो ये आपको सोनेट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ड्राइवर साइड सीट की बात की जाए तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM देखने को मिलेगा, ये रहे इसके कंट्रोल्स। एंड यहाँ पे आपको पावर विंडोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेदर स्टिचिंग हुई पड़ी है, तो ये अच्छी चीज़ है थोड़ी सी लुक्स को अच्छा करने के लिए बता देते हैं। एंड गाइज ये रही इसकी पैसेंजर साइड का सीट, एंड आप देख सकते हैं इंटीरियर डोर हैंडल्स है वो आपको स्टील फिनिशिंग में देखने को मिलेंगे। नीचे आपको स्पीकर्स एंड बॉटल रखने की जगह भी देखने को मिलेगी, मैं आपको पीछे जाके पीछे बैठ के बता देता हूँ। एंड यहाँ पे इसके आप देख सकते हैं आगे के IRVM, तो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सनरूफ मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ, जैसे आप इसको ऐसे प्रेस करना है इसका जो सनरूफ होगा वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बाहर का कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ व्यू। तो कहते हैं सनरूफ को क्लोज, तो इस वक्त आगे हूँ मैं पीछे, एंड आप देख सकते हैं पीछे से इसकी लुक्स काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये रहा इसका आगे का इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो गाइस आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो आगे का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है स्टीयरिंग व्हील आपको कैसा लगा है। एंड आप देख सकते हैं पीछे का जो मेरा नी रूम है लेग रूम है काफी ज्यादा स्पेस बहुत अच्छी है, एंड हेड रूम भी इसमें काफी ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे पीछे भी आपको AC वेंट्स देखने को मिलेंगे, एंड वन लाइटनिंग केबल चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। तो सीट्स इसमें आपको फैब्रिक की देखने को मिलेंगी, इसमें आपको लेदर सीट्स नहीं है देखने को। एंड यहाँ पे आपको जो सन शेड्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, तो ये आपको इसी में ही आएंगे, आपको बाहर से लगानी नहीं पड़ेंगी। तो गाइज अंदर का लुक काफी ज्यादा अच्छा है इसका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इस कार के फीचर्स भी पसंद आए होंगे। तो गाइज अगर आपका बजट है कार को लेने के लिए तो प्लीज आप कार लीजिए, बुक करवाइए, एंड मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कार के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो टिल देन स्टे सेफ स्टे होम एंड हैव अ नाइस डे।